वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा बेबी स्वेटर, बेबी कार्डिगन लेके आई हूँ फुल बाजू में। तो देखिए, आज हम ये बेबी स्वेटर बनाएंगे। तो देखिए, बहुत ही प्यारा सा इस तरह से हमारा ये बेबी स्वेटर बन के आया है। 6 मैंने इसमें ये बटन लगाए हैं और कॉलर वाला मैंने इसको बना के तैयार किया है। तो आज की वीडियो में हम इसका पार्ट 1 बनाएंगे, जिसमें हम बैक पार्ट में कितने फंदे लें, कैसे डिजाइन को एडजस्ट करें और कितने इसकी लेंथ रखें, फिर कैसे आर्म होल की घटाई करें और इसको किस तरह से हम आर्म होल की घटाई करने के बाद ऊपर शोल्डर की लेंथ कितनी रखें। तो ये टोटल मेजरमेंट मैं बैक पार्ट का आज की वीडियो में आपको बनाना स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। ये हमारा 3 से 4 साल के बच्चे के लिए स्वेटर बनेगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बनाना बताऊंगी। अगर आपको ये हमारा स्वेटर पसंद आए, इसका डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 3 तार वाली 3 प्लाई वाली वूल ली है और मैंने 9 नंबर की सिलाई ली है। अगर आप इसको इस 3 तार वाली 3 प्लाई वूल में बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा, और बुनना चाहते हैं नॉर्मल वूल में तो आप यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। 3 तार वाली में बुनना चाहते हैं तो फंदे सेम डाल लीजिएगा, और आप इसको नॉर्मल वूल में बुनना चाहते हैं तो 4 फंदे ज़्यादा डाल लीजिएगा। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा जैसे मैंने बुना है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। तो चलिए स्वेटर को बनाना शुरू करेंगे। तो इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने ये ओसवाल कंपनी की 3 प्लाई वाली वूल ली है, जिसके अंदर ये ऐसे 3 तार होते हैं, और 9 नंबर की मैंने सिलाई ली है। इसको मैं स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक 9 नंबर की सिलाई से ही बुनूंगी। तो देखिए, ओसवाल कंपनी की है और 9 नंबर की मैंने सिलाई ली है। तो आज बनाएंगे हम इस स्वेटर का पार्ट, बैक पार्ट बनाएंगे। तो बैक पार्ट में देखिए, मैंने इसको लेंथ मुड्ढे की लेंथ तक मैंने इसको कंप्लीट किया। यहाँ पर मैंने इसके बॉर्डर में 66 फंदे डाले, यानी 66 फंदे डाले हैं। फंदे डाल के मैंने दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 तो 14 सिलाइयों का मैंने बॉर्डर बनाया है। जब हम सीधी तरफ आए हैं 15वीं सिलाई में, तो फिर मैंने इसमें डिजाइन डालना शुरू किया है। तो आप कोई भी बॉर्डर ऐसे बना सकते हैं, और यहाँ पर मैंने 66 फंदे लिए हैं। तो देखिए, अब मैं आपको ये जैसे मैंने फंदे डाल के बॉर्डर बनाया है और फिर मैंने डिजाइन को कैसे एडजस्ट किया है। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें यहाँ पे 8 के मल्टीपल फंदे लेके और 3 फंदे प्लस किए हैं, तो मेरे बिल्कुल परफेक्ट डिजाइन बन के आया है। जैसे 5 फंदों की केवल है, 3 फंदों में हमारा ये गैप के हैं उल्टे, फिर 5 फंदों की केवल है, फिर से 8 फंदे, 3 फंदे गैप के हैं, तो टोटल 8 फंदे हैं। तो देखिए, 8 फंदे, फिर से 8, फिर से 8, फिर से 8, ऐसे गिनते जाएंगे, लास्ट में आपके 3 फंदे होंगे। तो हमारे पास डिजाइन बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 × 63, 9 डिजाइन हमारे बन गए हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बने हैं और 3 फंदे हमने प्लस किए। तो देखिए, टोटल 66 फंदे थे। तो ये 3 फंदे, फिर 5 की केबल, तो 8 फंदे बन गए। 8 × 8, फिर 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, 8 × 63. तो यहाँ तक हमारे 63 फंदे हैं, 3 फंदे आगे हैं, तो 66 फंदे टोटल है। डिजाइन अच्छे से एडजस्ट हो चुका है। तो चलिए, अब मैं आपको इसको फंदे डाल के और फिर इसको बनाना बताती हूँ। तो देखिए, फंदे मैंने यहाँ से सिंपल डाले हैं और डबल धागे से इस तरह से मैंने फंदे डाले हैं। तो इस तरह से नोट लगाएंगे यहाँ पे, फंदा ऐसे नोट लगा के धागे को डबल करेंगे सबसे पहले हम।
ऐसे डबल करेंगे, इतना धागा हमने डबल कर लिया। अब इसका हम यहाँ पे फंदा बनाएंगे, फंदा बना के इस तरह से नीडल में डाल लेंगे ऐसे। अब देखिए डबल धागे को अंगूठे पे लेंगे, सिंगल को उंगली पे, यहाँ से सिलाई डाल लेंगे, सिंगल का फंदा बनाएंगे, फिर से ऐसे डबल में डाल लेंगे और सिंगल का फंदा बनाएंगे, डबल के नीचे से डाल लेंगे और सिंगल का फंदा बनाएंगे। तो बॉर्डर में आप यहाँ पर 66 फंदे डाल लीजिएगा। मैं आपको ये डिजाइन बनाना बताऊंगी, जैसे 8 और 8 16 8 3 24 24 और 3 27, मैं यहाँ पे 27 फंदे डालूंगी। आप जब बॉर्डर में डालो तो 66 फंदे आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगा, मैं आपको ये डिजाइन बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको बुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15, इसी तरह से आप यहाँ पर फंदे डालेंगे। 8 3 24 और 3 27 फंदे मैं डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये फंदे मैंने डाल लिए हैं। अब देखिए जैसे मैंने ये बॉर्डर बनाया था सेम ऐसे ही हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। तो धागा अपनी तरफ और पूरी रो को हम ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे, ऐसे पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सेकंड रो में, फिर से ऐसे ही बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो इसी तरह से दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाते हुए मैंने ये यहाँ पे टोटल 14 सिलाइयाँ बनाई हैं। 7 धारियाँ मेरी सीधी तरफ बनी हैं और 7 धारियाँ हमारी ये लाइनें उल्टी तरफ बनी हैं। दोनों तरफ से ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे, सेम ऐसे ही बुनिए आप। 66 फंदे मैंने ये डाले हैं और ऐसे उल्टा उल्टा मैंने बॉर्डर बनाया है। तो इस तरह से पूरी को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ। देखिए जैसे ये हमारी एक धारी बन के आई है सीधी तरफ, एक उल्टी तरफ, देखिए इस तरह से। ऐसे ही आप ये जितना आपको बॉर्डर की लेंथ चाहिए उतना बॉर्डर आप ऐसे बना लीजिए। अब हम ये डिजाइन डालना शुरू करेंगे जो डिजाइन मैंने ऊपर डाला है। तो देखिए स्टार्टिंग में 3 फंदे उल्टे, 2 3 धागा पीछे करेंगे। अब देखिए इन 5 फंदों में हम केबल वाला डिजाइन डाल लेंगे, ये जाली वाला। ये 5 फंदे हैं, इन 5 फंदों में डिजाइन डाल लेंगे। तो पहले 2 फंदे लेंगे, आगे से 2 का 1 करेंगे, फिर ऐसे धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे, इस फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, इसको भी स्लिप करेंगे, फिर इसमें ऐसे नीडल डाल लेंगे और बैक लूप से सीधा बनाएंगे इस तरह से। तो इन्हीं 8 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। धागा अपनी तरफ, फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से 2 फंदे आगे से सिलाई डालेंगे, 2 फंदों में 2 का 1 बनाएंगे, फिर ऐसे धागा घुमाएंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे, फिर से ये 2 फंदे स्लिप करेंगे ऐसे, फिर लेफ्ट नीडल ऐसे डालेंगे आगे से और इस फंदे को पीछे से 2 का 1 बनाएंगे, 2 रिपीट कंप्लीट, फिर धागा आगे, फिर से 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, फिर से 5 फंदों में डिजाइन डालेंगे। तो 2 फंदों में सिलाई डाल के 2 का 1 बनाएंगे,
जो फंदा दो का एक करेंगे, एक फंदा कम हो गया तो ऐसे जाली डालेंगे, फिर से फंदा बढ़ जाएगा। इस फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे, जाली डालेंगे, इन दो फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे, फिर से वापस निडल में डाल लेंगे और बैक लूप से सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ, तीन रिपीट कंप्लीट हुए। लास्ट में तीन फंदे हैं तो इसमें तीन फंदों में दो फंदे उल्टे बनाएंगे और लास्ट वाले फंदे को आप सीधा बनाइए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो फर्स्ट रो डिजाइन की बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए सेकेंड रो। सेकेंड रो को यहाँ से पूरी को हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, ऐसे पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे। बैक साइड से इस डिजाइन में सभी सिलाइयाँ हमारी उल्टे उल्टे बन के आएंगी। बहुत ही इजी डिजाइन है। इस डिजाइन को आप लेडीज कार्डिगन में, लेडीज जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में, बेबी स्वेटर में, गर्ल्स टॉप में, कैप में, कुर्ती में, सॉक्स में, ब्लैंकेट में, किसी में भी डालिए, बेबी कार्डिगन में डालिए, गर्ल्स फ्रॉक में डालिए। बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन हमारा बन के आता है और बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ चार सिलाइयों का डिजाइन है और ऑल प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट डिजाइन है। तो ये सेकंड रो हमारी बन के कंप्लीट हुई रोंग साइड से। आपके प्रोजेक्ट में जितने फंदे हों आप ऐसे ही आठ आठ फंदों को रिपीट करते जाइएगा। तीन फंदों में गैप, पांच फंदों में केबल, तीन का गैप, पांच में केबल, ऐसे ही बनती जाएगी। तो अब आ जाइए राइट साइड सीधी तरफ। तो देखिए तीन फंदे उल्टे स्टार्टिंग के, एक दो तीन, धागा पीछे। अब देखिए जो पांच फंदे हमने डिजाइन के डाले हैं इन पांच को सीधा बनाएंगे, दो तीन चार पाँच, इन्हीं आठ फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। धागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से पांच फंदे सीधे। चार पाँच, तो दो रिपीट कंप्लीट हुए। फिर धागा अपनी तरफ, फिर से तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से पांच फंदे सीधे। तो ये हमारा तीसरा रिपीट कंप्लीट हुआ। आपके प्रोजेक्ट में जितने फंदे हों ऐसे ही बनाइए। डिजाइन टोटल चार सिलाइयों का है, तीन सिलाइयाँ उल्टी सीधी ऐसे ही बनती हैं हमारी, और एक सिलाई में हमारा जाली वाला डिजाइन डलता है। इस फंदे को भी आप चाहें तो ऐसे उल्टा बना सकते हैं। तो तीन सिलाई कंप्लीट हुई, डिजाइन नजर आने लगा। चौथी सिलाई को रोंग साइड से पूरी को उल्टा बनाएंगे, तो यह डिजाइन डलता जाएगा। फिर से जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी इन्हीं चार सिलाइयों को फिर से रिपीट करेंगे। तो फिर से आएंगे जब यहाँ सीधी तरफ, तो तीन उल्टे, फिर दो का एक जाली, फिर सीधा, फिर जाली, फिर दो का एक, ऐसे ही सेम जैसे मैंने स्टार्टिंग की है ऐसे ही बनाएंगे। तो देखिए इस पार्ट को मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है और इसकी लेंथ को मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ इसकी लेंथ हमारी कितनी बन के आई है। तो इस तरह से देखिए यहाँ से अगर आप मेजर करेंगे तो पूरी 10 इंच हमारी ये लेंथ बन के आई है। अब हम इसके मुड्ढे की घटाई करेंगे, बैक पार्ट है। तो चलिए अब इसकी मुड्ढे की कटाई करेंगे। तो अब हमने ये डिजाइन डाला था, अब ऊपर का पार्ट, मुड्ढे से ऊपर का हम इसका प्लान बनाएंगे, सीधी तरफ से सीधा और बैक साइड से उल्टा। तो देखिए यहाँ से अब हम इस पूरी सिलाई को एक फंदा ये हमारा यहाँ पर निकल गया, इसको दोबारा बुनेंगे। अब आएंगे सीधी तरफ, तो अब देखिए डिजाइन, अगर डिजाइन को इनको काउंट करेंगे तो देखिए हमारे कितने डिजाइन हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और सोलह, टोटल 16 डिजाइन मैंने लेंथ में डाले हैं। अब ये यहाँ से अब हम पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाएंगे, ऐसे पूरी को सीधा सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पर हम कोई भी डिजाइन नहीं डालेंगे,
और बैक साइड से पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो इस सिलाई को पूरा बुन लेंगे। तो ये सीधी तरफ से सीधा बनाइए और बैक साइड से पूरी सिलाई को उल्टा बनाएंगे। तो डिजाइन के बाद में मैंने दो सिलाई बुन ली हैं, सीधी तरफ से सीधी और बैक साइड से उल्टी। अब हम यहाँ से मुड्ढे की कटाई करेंगे। 10 इंच की हमारी टोटल लेंथ है। अब यहाँ से कटाई करेंगे तो कटाई हम यहाँ से चार फंदों की करेंगे। तो दो फंदे लेंगे और दो का एक बनाएंगे ऐसे। इसको टाइट नहीं करेंगे, लूज नहीं रखेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे, फिर से दो का एक करेंगे। तो दो फंदों की कटाई हो गई, फिर से करेंगे दो का एक, तो तीन फंदों की बन गई। फिर से लेंगे इसी सिलाई पे और दो का एक, तो चार फंदों की कटाई हमारी ये बन गई। अब धागे को पीछे करेंगे। अब देखिए पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बनाएंगे, ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे। चार फंदों की घटाई सिलाई में करेंगे, फिर से सीधी तरफ आएंगे तो दो की, फिर से सीधी तरफ आएंगे एक की, तो सात फंदों की घटाई यहाँ से बन जाएगी और सात फंदों की यहाँ से। सीधी तरफ से यहाँ से घटाई होगी एक तरफ की, दूसरी तरफ आएंगे यहाँ बैक साइड से होगी। तो इस पूरी सिलाई को हम ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने बुन लिया, यहाँ से मैंने चार फंदों की कटाई की और पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुना। अब आ जाइए रोंग साइड में। अब यहाँ से कटाई करेंगे, एक तरफ हमारी सीधी तरफ से कटाई हुई है और यहाँ से हमारी उल्टी तरफ से होगी। तो फिर से दो फंदे लेंगे, दो का एक करेंगे। इसको ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, ज़्यादा लूज नहीं करेंगे, फिर आगे से फंदा लेंगे और दो का एक करेंगे। तो दो फंदों की कटाई हो गई, फिर से आगे से फंदा लेंगे और दो का एक करेंगे। तो तीन फंदों की बन गई, फिर से इसी पे लेंगे और दो का एक करेंगे। तो चार फंदों की कटाई हमारी यहाँ से बन गई। अब आगे पूरी सिलाई को फिर से उल्टा उल्टा बनाएंगे। अब ऊपर के पार्ट को हम मुड्ढे से जो कटाई शुरू की है इससे ऊपर का पार्ट हम बिल्कुल सिंपल बुनेंगे, सीधी तरफ से सीधा और बैक साइड से उल्टा। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब देखिए दोनों तरफ से, यहाँ से भी चार फंदों की कटाई हो गई है, यहाँ से भी चार की। अब की बार दो की करेंगे। तो दो फंदे लेंगे और दो का एक बनाएंगे, फिर इस फंदे को वापस इसी पे लेंगे और फिर से दो का एक बनाएंगे। तो दो फंदों की कटाई हो गई। अब धागा पीछे करेंगे और अब पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लिया। अब आ जाइए रोंग साइड में। अब यहाँ से फिर दो फंदों की कटाई करेंगे। दो की हमने पहले यहाँ सीधी तरफ से चार की थी, फिर दो की थी। यहाँ पर पहले चार की थी, अब फिर दो की करेंगे। तो दो फंदे लेंगे, दो का एक करेंगे। एक फंदा कम हुआ, फिर से इसमें लेंगे और दो का एक करेंगे। तो दो फंदों की कटाई हो गई। अब देखिए आगे पूरी सिलाई को हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाएंगे, लास्ट तक ऐसे ही बुनते जाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। तो अब देखिए चार और दो की घटाई यहाँ से हुई है, चार और दो की घटाई यहाँ से हुई है। अब एक की घटाई करेंगे। तो दो फंदे लेंगे, दो का एक करेंगे। अब धागे को पीछे करेंगे ऐसे और पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बुनेंगे, ऐसे पूरी को सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने सीधा सीधा बुन लिया। अब आ जाइए रोंग साइड में। अब एक फंदे की कटाई यहाँ से करेंगे। तो दो फंदे लेंगे और दो का एक बनाएंगे। तो कटाई हमारी कंप्लीट हुई। अब आगे पूरी सिलाई को हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो देखिए चार की कटाई की, फिर दो की, फिर एक की। तो चार, दो, छः और एक सात, सात फंदों की कटाई यहाँ से की है और सात फंदों की यहाँ से की है। अब इस पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे।
तो देखिए अब ये गटाई हमारी दोनों तरफ से कंप्लीट हो गई है। अब हम ऊपर का पार्ट ये बनाएंगे। अब हमारे पास ये 53 फंदे हैं। तो देखिए गटाई कंप्लीट हुई दोनों तरफ से। अब इसके मुंडे की लेंथ को कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हम 5 इंच के करीब बनाएंगे। तो इसको बना लेती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ आपको।